भाई आज का टॉपिक है पागल। जो पागल घूमते रहते हैं ना पूरी दुनिया में, हर किसी मोहल्ले में पागल मिले जाएंगे। तो मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया कि आखिर ये पागल क्यों है, इनकी जब ये पागल हैं किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते ये, तो ये जिंदा क्यों रख रखे ऊपर वाले ने। सवाल आया कि अगर ये किसी काम के नहीं है, काम तो कर ही नहीं सकते, देखो कुछ काम नहीं कर सकते, वोट वो नहीं दे सकते, किसी भी काम पे नहीं लग सकते, तो काम नहीं कर सकते ना, कर्म भी नहीं कर सकते, तो वो भगवान ने जिंदा क्यों रखे भाई। तो यहां से मेरा दिमाग घूमा कि ये जिंदा क्यों रखे हैं, कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। हम तो इंसान है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं, मगर लगाया दिमाग जहां तक जा सकता है कि भाई क्या हो सकता है ऐसा, क्या वे ढूंढा कि उनमें और मैं हूं, मैं अभी पागल हो जाऊं तो मैं ऐसा थोड़ी रहूंगा। बारिश में जा रहा हूं, ना बारिश असर कर रही, धूप में हूं पूरी रजाई ओढ़ रखी, ना धूप असर कर रही, कीचड़ में पड़ा हूं, सांप बिच्छू सब है ना वो काट रहे, हंस रहा हूं तो हंसी रहा हूं, रो रहा हूं तो रो रहा हूं, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, ना किसी की दौलत चाहिए ना सपने चाहिए, ये संसार में से कुछ नहीं चाहिए, शरीर फिर भी पल रहा है, सड़क पे बैठे में हॉर्न बज रहा, जैसे जानवर नहीं बैठे होते हैं उनको देख के फर्क नहीं पड़ता। हाँ अच्छा, अरे भाई पागल है, इसे देख के इससे बच के चलो, ये नहीं हटेगा। तो ये जो चीज है ना, उसके पास सपने हैं ना अपने हैं, ना देख के कुछ इच्छा जग रही, ना किसी का वो बलात्कार कर रहा है, ना किसी से प्रेम कर रहा है, ना किसी को चीज छीन रहा है, मतलब उस तरीके से इंटेंसली नहीं, जो उसके मन में आ गया पत्थर मार दिया, ये हो गया वो, तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत बहुत रिसर्च किया सालों मैं, तो वहां तक पहुंचा, आध्यात्मिक रिसर्च कह रहा हूं, कि उसमें वो बिल्कुल अलग है इस पूरी दीन दुनिया से, उसका उसे किसी से मोह नहीं है, अपने आप से मोह नहीं है, नंगा है, कपड़े पहन लिए, उसे कुछ नहीं। और हमें, मैं अभी इस रूप में अभी मुझे मोह में बातें कर रहा हूं सब चीज, अभी मैं पागल हो जाऊं तो बातें खत्म, मगर मैंने कहा नहीं, अब मेरा रिसर्च बातें खत्म नहीं होती होगी, उसका इस संसार से कोई मोह नहीं है पागल का, और हम पूरे मोह में इस संसार में, बातचीत में अभी आपसे कर रहा हूं, मेरी ज्ञान में भी, मेरे सकल डिग्री उसमें भी, मैं कह रहा हूं आप लोग मेरे फैन बनेंगे उसमें भी मोह है, उसका किसी में कुछ मोह नहीं, नंगा घूम रहा है कुछ भी ना है उसे, शर्म है जिसे, फिर क्या गायब है उसमें, हमें से अंतर क्या है उसमें, हमें से ये अंतर है एक सेंस गायब, सेंस जो कह देते हैं कि भाई इसमें सेंस नहीं है, ये संसार से जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ नहीं रहा है, ना इसे हार पता, ना जीत पता, ना इसे कुछ नहीं पता, ना ये हवस भी नहीं जानता क्या होता है। यहीं से सवाल आता है कि पागल वो है या पागल हम है, वो हमें पागल कहता होगा कि देखो कैसे पागल फिर रहे हैं, अभी यहां जाना है, अभी वहां जाना, और पैसे जोड़ो, और सुंदर बनो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, इसका बुरा कर दो, इसका भला कर दो, ये अजीब अजीब स्थिति में लगे पड़े हैं, तो वो हमें शायद कहता है यार पागल है, सब माया के पीछे पड़े हुए, सपनों के पीछे पड़े हुए, अपनों अपनों का खून कर रहे, दुश्मनी ले रहे, तो वो पागल शायद हमें कहता होगा, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, हम उसे पागल कहते हैं, जिसका शायद सीधे ईश्वरीय लिंक है, तो वो हमें पागल कहता है। दूसरी बात मैं और गहरी कहना चाहूंगा, जो मैंने महसूस किया, ऊपर वाला हमें ये संदेश देना चाहता है, श्री कल्कि जी ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो तुम अगर इस दुनिया में लीन हुए और मुझे भूले, तो ये एक सेंस तुम्हारा गायब कर दूंगा, और फिर तुम ऐसे ही घूमते फिरोगे, अभी है मेरे पास वो बटन, एक बटन दबाऊंगा तुम्हारी सेंस गायब, और तुम ये पागलों की तरह घूमते फिरोगे अगर मुझे भूले दुनिया में।
बटन है, इसलिए इस दुनिया में इतने मत रम जाओ कि मुझे ही भूल जाओ, मेरे पास है वो बटन, मैं तुम्हें पागल बना सकता हूँ और पागल को ठीक भी कर सकता। एक बटन दबाया, घड़ी की सुई शुरू, टिक टिक शुरू, और देखा नहीं पागल को ठीक होते हुए। फिर तो भैया मेरे यही कहना है इस रिसर्च के बाद कि हम यहाँ रहते हुए भी इतने ना रम जाएं इसमें कि जिसकी सृष्टि से भूल ही जाएंगे, एक बटन दबाएगा हम पागल, ना ये पैसा अपना लगेगा ना अपने अपने लगेंगे, कुछ नहीं है लगे, जिंदा रहेंगे पैसे। तो उसे एक बटन को दबाने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? करिए ना ईश्वर की बातें जिसकी ये सब दुनिया है। कैसा लगा आपको वो पागल या हम पागल? मुझे तो लगता है हम ही पागल कि हम ये सुंदरता ये संसार में बस इतने खो जाते हैं इस माया में कि हम भूल ही जाते हैं कि हम हमें वो वैसा पागल भी बना देगा। कैसा लगा आज का वीडियो मेरा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर अगला वीडियो बनाऊंगा भक्त और ज्ञानी विज्ञान।